हम महामाई स्कंद माता की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम महामाई स्कंद माता की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दुर्गे माँ का रूप पांचवा भक्तों स्कंद माता, इनकी गोद में जो बालक इनका पुत्र कहलाता। पुत्र का नाम कुमार कार्तिकेय, माता को प्यारा। दूसरा नाम इनका स्कंद है शिव का दुलारा, इसीलिए इनकी माता को कहते स्कंद माता। पार्वती का यह स्वरूप भक्तों को बहुत सुहाता, एक हाथ से पुत्र को पकड़े ममता बरसाए। दूजे हाथ कमल का फूल है शोभा कहीं न जाए। अब माता की पौराणिक हम कथा सुनाते हैं, माँ की भक्ति बताते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तार का सुर एक दानव हम किस्सा तुम्हें सुनाए, कठिन तपस्या करता वो ब्रह्मा का ध्यान लगाए। उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी सम्मुख आए। जो चाहो वर मांग लो हमसे, दानव से फरमाए। तार का सुर बोला ब्रह्मा से, सुन लो तारण हारे। किसी से भी मैं ना मर पाऊं, शिव का पुत्र ही मारे। बड़ा चतुर चालाक था दानव, अच्छी तरह वो जाने। शिव निद्रा में लीन हुए, लगे तप में ध्यान लगाने। सती वियोग में बैठे शिव कुछ कर ना पाते हैं, दानव जान जाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव से पुत्र उत्पन्न होगा, दानव करें विचार। इसीलिए ये वर मांगे ब्रह्मा से बारंबार। तार कसुर को ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है, वर पाके उस दानव ने देवों को तंग किया है। उसे नहीं मालूम आदि शक्ति ने जन्म लिया है। शिव को पति रूप में पाऊं मन में ठान लिया है। दूजे जन्म में राजा हिमाचल की पुत्री कहलाई। पार्वती ने शिव के नाम की ऐसी रटन लगाई,
दानव महामाया की शक्ति जान न पाते हैं, वो पहचान न पाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमर समझ के खुद को दानव सबको सता रहा था, सारी सृष्टि पर दानव कोहराम मचा रहा था। सभी देवताओं को उसने स्वर्ग से दिया निकाल, तारकासुर दानव ने सबको कर डाला बेहाल। हार गए जब सभी देवता, टूट गई सब आस, शिव को जगाने काम देव को भेजा उनके पास। काम बाण फिर काम देव ने शिव पर छोड़ दिया, क्रोध में आए शिव शंकर फिर उसको भस्म किया। शिव शंकर भगवान की शक्ति जो आजमाते हैं, नाम उनके मिट जाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पार्वती की कठिन तपस्या शिव के मन को भाई, किया विवाह शिव शंकर ने माँ पार्वती हर्षाई। शिव गौरा के तेज से उत्पन्न कार्तिक बतलाए, कार्तिके का जन्म हुआ तो स्कंद वो कहलाए। इस कारण माँ पार्वती स्कंद माता कहलाए, बहुत प्रेम करती माँ अपने पुत्र से तुम्हें बताएं। स्कंद के ही नाम से माँ का सब ही ध्यान लगाएं, नवरातों में पांचवे दिन माता को सभी मनाएं। पार्वती माता का नाम स्कंद बताते हैं, माँ को शीश नवाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव के पुत्र से होगा अंत, दानव को था वरदान। करेंगे वध अब तार का सुर का श्री स्कंद भगवान। स्कंद जी ने युद्ध करने का फिर अभ्यास किया है, तार का सुर को महाबली स्कंद ने मार दिया है। दानव का जब अंत हुआ तो गूंजे जय जयकार, मिला देवताओं को फिर से स्वर्ग का अधिकार। शिव की पत्नी होने से माँ महेश्वरी कहलाई, गौर वरण होने से माता गौरा माँ कहलाई। भिन्न भिन्न नामों से माँ को जो भी ध्याते हैं, माँ का ध्यान लगाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
चंद माता की पूजा का सुनो विधान बताएं। पीली वस्तु माँ को प्यारी, पीले वस्त्र चढ़ाएं, केसर युक्त खीर बना के माँ को भोग लगाएं, लाल वस्त्र और लाल फूल जो महिला इन्हें चढ़ाए, मिलता है सौभाग्य उसे संतान का सुख भी पाए। पांच बालक पांच कन्याओं को खीर खिलाए, देना खिलौने और मिठाई माँ को बहुत सुहाए। जो नारी माता को पूजे भाग्यवती कहलाए, व्रत रखे माता का जो भी सुख वो पाते हैं, माता के गुण गाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धन वैभव संतान माँ देती करती नहीं निराश, पूजा करने से पहले तुम मन में करो विश्वास। भोग केले का भक्तों मैया को जरूर लगाएं, सप्तशती का पाठ करें और माँ का ध्यान कराएं। स्कंद माता की पूजा से मन चाहा फल पाएं, महामंत्रों से प्रसन्न हो माता संकट सभी मिटाएं। स्कंद माता की भक्ति से मिलती मन को शक्ति, भव बंधन पापों से मैया देती सबको मुक्ति। माँ के नाम से काम सभी भक्तों बन जाते हैं, सारे सुख मिल जाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्कंद माँ का एक भक्त था, किस्सा तुम्हें सुनाए। सुबह शाम वो मंदिर आता, माँ की जोत जगाए। पहले माँ को भोग लगाता, तब वो खाना खाता। बरसों बीत गए मैया के दर्शन करने आता। एक दिन वो बीमार हुआ, माँ के मंदिर ना आया। बीमारी के कारण भोग माता को न लगाया। क्षमा करो हे स्कंद माता, मैं तो हूँ लाचार, कैसे तुमको भोग लगाऊं, मैं तो हूँ बीमार। रो रो के मैया रानी की रटन लगाते हैं, अपनी माँ को बुलाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्कंद माता ने सुनी पुकार, कन्या रूप में आई। फल मेवा मिठाई खीर से थाली भर कर लाई। माँ ने देखा भक्त मेरा तो बेसुध पड़ा हुआ है, जल छिड़का माता ने तो वो उठ कर खड़ा हुआ है। छोटी सी एक कन्या उसके सम्मुख खड़ी हुई थी,
फल मेवा मिठाई से उसकी थाली भरी हुई थी। भक्त ने पूछा नाम तो माता मंद मंद मुस्काई, मैं हूँ तेरी स्कंद माँ विपदा में मिलने आई। सुने वचन माँ के चरणों में लेट जाते हैं, मन की अपने बताते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोली माता भोजन कर लो, चिंता क्यों करते हो, मेरे मन मंदिर में बेटा सदा ही तुम रहते हो। तूने जितने व्रत रखे हैं मैंने किए स्वीकार, खुला रहेगा भक्तों के लिए मेरा ये दरबार। ऐसी परीक्षा मत लेना माँ, होना जो आसान, तुमने कृपा की जो माता मानूंगा एहसान। अंतर ध्यान हुई माता तो भक्त हुआ हैरान, रो रो के मैया की याद में उसने गंवाए प्राण। माँ के भक्त कभी नहीं मरते, अमर हो जाते हैं, माँ के गण बन जाते हैं। श्री दुर्गे माँ के पांचवे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय 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 संत माँ, जय जय दुख हरणी माँ, जय 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 संत।